आज से मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। इस सत्र में सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने तैयारी कर रखी है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने विधायकों को अलग अलग मुद्दों पर सदन में सरकार को घेरने के लिए जिम्मेदारी दी है। इसके अलावा कांग्रेस भाजपा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है। वहीं दिवंगत नेताओं और विशिष्ट जनों को विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम, सीएम शिवराज सिंह चौहान के बाद नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह, पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी श्रद्धांजलि दी। शीतकालीन सत्र के लिए विधानसभा में विधायकों ने 1632 सवाल लगाए हैं। शीतकालीन सत्र आज यानी 19 दिसंबर से 23 दिसंबर 2022 तक चलेगा। इस 5 दिवसीय सत्र में सदन की 5 बैठकें होगी। सत्र में ज्यादा सवाल होने के चलते सदन की कार्यवाही रात 8 बजे तक चलने का फैसला हुआ है। विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह ने बताया कि शीतकालीन सत्र की अधिसूचना जारी होने से लेकर रविवार तक विधानसभा सचिवालय में कुल 1632 प्रश्नों की सूचनाएं मिली है।